शहरों के अंदर मैं सिर्फ ये कह दूं कि उसमें भी मैंने देखा कि आपने उसको इंक्लूड किया है, शहरों के अंदर बहुत बड़े हमारे शहर अब स्ट्रेस पे हैं, हमारे शहर फैलते जा रहे हैं और वो ग्रीन एरियाज गायब होते जा रहे हैं। और यहाँ भी इस्लामाबाद में भी अब देखें तो इंक्रोचमेंट मरला नेशनल पार्क के अंदर शुरू हो चुकी है क्योंकि आबादी का इतना प्रेशर है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो हम अपनी जंगलात भी बचाएं लेकिन शहरों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वहाँ हम जिस तरह ये फैलते जा रहे हैं ना, हम पानी को साफ रख सकते हैं, हमारे जितनी ये सारी स्ट्रीम्स हैं, दरियाएँ हैं, ये सब के अंदर सीवरेज चली गई है, और ना ही हम अपनी हवा को साफ रख सकते हैं, क्योंकि लाहौर आपके सामने एग्जाम्पल है, इतने ज़्यादा वहाँ दरख्त काट दिए हैं कि वो पोल्यूशन लेवल्स उधर पहुँच गए हैं जो लोगों की जानें खतरे में हैं, ख़ासतौर पर बच्चे और बूढ़ों के। तो इसमें भी आपने इंक्लूड किया कि शहरों के लिए लहदा पूरा, शहरों के लिए बाय द वे हम नेशनल हर शहरों के लिए वो जो मास्टर प्लान्स बना रहे हैं उनको रिंग फेंस करना चाहते हैं कि एक हद से ज़्यादा शहर ना जाए, वहाँ ग्रीन एरियाज आ जाए। अभी तक वो हमारे जो मास्टर प्लान्स हैं वो इंशाल्लाह तैयार हो रहे हैं एक और छः महीने और एक साल में। और फिर ये जो आपने दरियाओं के ऊपर जब फ्लड वाटर्स के ये जो रिचार्ज के लिए एरिया जो लेक्स बनाई हुई है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंग्रोव्स को बचाना वो बहुत इम्पॉर्टेंट, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर करती हैं, इसलिए भी कि वो हमारी बहुत बड़ा हमारी एक उसके अंदर पूरी वाइल्ड लाइफ रहती है मैंग्रोव्स के अंदर, तो उनको भी बचाना बड़ा ज़रूरी है बलूचिस्तान और सिंध के अंदर। और ये भी मुझे खुशी है कि हमारी मैंग्रोव्स बढ़ रही हैं, अब पहले से ज़्यादा हमारी जो मैंने देखा है कवरेज जो मैंग्रोव्स का वो बढ़ गया है।